तो भाई साहब रोमन रेंज ने यहाँ खुद का बनाया हुआ रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया है WWE के अंदर। उसके अलावा एज ने एक बहुत कमाल का रिकॉर्ड बनाया जो कि कभी टूट ही नहीं सकता WWE और सबसे कमाल की न्यूज है कि अब ब्रॉक लेसनर हमारे पार्ट टाइमर नहीं फुल टाइमर होने वाला है WWE के अंदर। तो उनका क्या ड्यूरेशन रहने वाला पूरी बात हम डिटेल में बात करेंगे। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। सबसे पहले हम ब्रॉक लेसनर के न्यूज से ही स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस साल के एंड तक ब्रॉक लेसनर हमें WWE में फिर से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले उनको ऑलरेडी एडवर्टाइज कर दिया गया है डेवन के अंदर। तो सबसे पहले यह बात तो कंफर्म हो चुका है कि वो डेवन पे प्रीव्यू के अंदर आने ही आने वाले हैं। उसके अलावा अगर कल के दिन आपको याद होगा तो कल मैंने एक बैनर दिखाया था, उसमें रॉयल रंबल के लिए ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस दोनों एडवर्टाइज है। और उसके बाद WWE का सबसे बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट आता है जो कि रेसलमेनिया, वहां भी ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज। एक और मैं आपको रूमर बता दे रहा हूँ ब्रॉक लेसनर के बारे में। रूमर यह आ रहा है कि शायद क्रॉन ज्वेल के अंदर भी ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज हो सकता है। आप लोग सीधा पिछले साल का ही याद कर लो ना, ब्रॉक लेसनर क्रॉन ज्वेल से लेकर पूरा एक्टिव थे रेसलमेनिया तक पिछले साल। इसके बीच में एक बार वो चैंपियनशिप बेल्ट जीते भी थे, एक बार हारे भी थे, बहुत सारा सीन हुआ था। तो इस बार भी ब्रॉक लेसनर का शेड्यूल इसी प्रकार होने वाला है। आपका क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता। भाई सच में मैं बताऊं मैं क्यों एक्साइटेड हूं, आने के बाद ब्रॉक लेसनर का अपोनेंट कौन होगा ये मुझे बस देखना। और फिर बस WWE ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज वाला एंगल इस बार ना दिखाए। अच्छा आप लोग जितने मेरे वीडियो देख रहे हो वो सब एक बात बताना, तो क्या आप रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का फिर से फ्यूड देखना चाहते हो WWE के अंदर? तो अभी पॉज करो वीडियो को और जाकर कमेंट करो, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा जिन लोगों को नहीं पता उनको छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ CM Punk के भी। अगर आपको नहीं पता तो आप जान लो AEW कंपनी वाले ने वापस फिर से चैंपियनशिप बेल्ट ले लिया है CM Punk। AEW वाले ने यह चीज बताया कि CM Punk इंजर्ड है, वो 8 महीने के लिए उनको छुट्टी मिला। AEW कंपनी अब फिर से टूर्नामेंट कराने वाली है, जो जीतेगा वो चैंपियनशिप बेल्ट ले जाएगा AEW। वैसे मैं बता दूं पूरा ट्विटर पे बवाल चल रहा है कि अब CM Punk को AEW कंपनी से बाहर फायर। तो भाई CM Punk AEW कंपनी से निकलते हुए बहुत जल्द दिखने वाले हैं। वैसे मैं पूरा न्यूज कवर किया हूँ कल वाला वीडियो, तो अगर आप नहीं देखे तो जाकर कल वाला वीडियो मेरा जाकर देख सकते हो। हमारा अगला न्यूज जुड़ा हुआ है हमारा आने वाला अगला स्मैकडाउन के शो। आने वाले स्मैकडाउन के शो के ऊपर WWE ने अपना सारा टिकट खरीद करी सोल्ड आउट कर चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल कैपेसिटी था स्मैकडाउन शो का 9022 का, जिसमें WWE ने ऑलरेडी 8600 टिकट बेच चुका है और बस 353 टिकट बचा हुआ। तो आई थिंक आने वाला स्मैकडाउन का शो पूरा हाउसफुल होने वाला। आने वाला स्मैकडाउन के शो में उसोज एडवर्टाइज है पर रोमन रेंज एडवर्टाइज नहीं। और हाँ अगर सोलो सिकोवा के बारे में पूछ रहे तो वो भी एडवर्टाइज है। आपको जैसा पता ही होगा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंज को चैलेंज कर दिया कि वो आ रहे हैं स्मैकडाउन के शो के ऊपर, तो इसका चांसेस है कि शायद रोमन रेंज भी आ सकते हैं स्मैकडाउन के शो के ऊपर। वैसे आप सब लोग कमेंट सेक्शन में जाकर ये सही सही कमेंट बताना कि आप ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस रोमन रेंज का फ्यूड देखना चाहते हैं। और हाँ आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं पर 200 या 300 सब्सक्राइबर कम रहे या 90 के कराने के लिए, तो सब लोग सब्सक्राइब कर दो यार। अगर 90 के सब्सक्राइबर कंप्लीट आज हो जाता तो मैं Q&A रखने वाला हूं इसके बाद। अब चलते हैं अपनी अगली स्टोरी के ऊपर। हमारी अगली दो स्टोरी है सेथ रॉलिंस से रिलेटेड। तो इंटरनल सोर्सेस से ये रिपोर्ट निकल कर सामने आया कि शायद कोडी रोड्स WWE के अंदर रॉयल रंबल के अंदर अपना वापसी कर सकते। और हाँ जब वो वापस आएंगे WWE के अंदर तो उनका फर्स्ट अपोनेंट सेथ रॉलिंस ही होने वाला। अच्छा कोडी रोड्स का फैन एक और स्टैटिक्स जान लो कोडी रोड्स के बारे में जिसको सुनकर आप खुश हो जाने वाले हो। तो शायद अगले साल जो रॉयल रंबल होने वाला उस रॉयल रंबल को कोडी रोड्स जीतने वाले। देखो अगर इनका फ्यूड रॉयल रंबल में रोमन रेंज के साथ कराना तब तो 100% चैंपियनशिप बेल्ट जीतेंगे। और अगर नहीं भी करवाना है मैच तो इनका चांसेस फिर भी बहुत ज्यादा है रॉयल रंबल इस बार का जीतने। अच्छा सेथ रॉलिंस ने एक कमाल का बात रिवील किया, आपको जानना चाहिए। तो सेथ रॉलिंस ने ये बोला कि सिजारो के साथ जब उनका फ्यूड था तो उनका फ्यूड अभी एंड नहीं हुआ था सिजारो के साथ। अगर आपको याद होगा तो शायद 2-3 पेपर भी में ये लड़े थे एक दूसरे के अगेंस्ट, आई थिंक रेसलमेनिया भी लड़े थे। तो सेथ रॉलिंस ये बताते कि अभी इनका फ्यूड और भी लंबा जाने वाला था WWE के अंदर, पर अनफॉर्चुनेटली सिजारो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया WWE कंपनी से और छोड़ के चले गए AEW कंपनी के अंदर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात थी सेथ रॉलिंस के बारे में जो कि आप सबको जानना जरूरी था। अच्छा रोमन रेंज अपना चैंपियनशिप बेल्ट कैसे हारेंगे ये बात आप सबके मन में आता होगा ना एक ना एक। तो इससे एक रिलेटेड थ्योरी आई है जो कि WWE अगर कराती है तो ये सबसे बेस्ट चीज होगा। इससे रोमन रेंज के हाथ से चैंपियनशिप बेल्ट भी चला जाएगा और रोमन रेंज ज्यादा वीक भी नहीं दिखाई देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का एक लैडर मैच प्लान कर सकती है WWE। और इस मैच के अंदर होगा क्या, इस मैच के लास्ट में दोनों रेसलर लैडर के ऊपर चढ़े रहेंगे और चैंपियनशिप लेने के चक्कर में एक चैंपियनशिप रोमन रेंज अपने हाथ में पकड़ ले और एक चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस अपने हाथ में पकड़ और दोनों ही रेसलर एक एक चैंपियनशिप बेल्ट लेकर लैडर से गिर जाए, और जिससे एक चैंपियनशिप बेल्ट रोमन रेंज के पास रहेगा और एक चैंपियनशिप बेल्ट सेथ रॉलिंस के पास चला जाएगा। अब सिंपल ऐसे समझो कि लैडर मैच के अंदर होता क्या है, कोई भी चीज ऊपर टांग दिया जाता है और लैडर के थ्रू कोई भी रेसलर को उतारना रहता है। तो ऐसा समझो कि एक चैंपियनशिप बेल्ट लेके रोमन रेंज लैडर के ऊपर से गिर जाए, एक चैंपियनशिप बेल्ट लेके सेथ रॉलिंस गिर जाए लैडर को। वैसे इस थ्योरी के बारे में आपका कहना आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वैसे काफी इंटरेस्टिंग ये थ्योरी है। ये बहुत कमाल का न्यूज है रोमन रेंज के बारे में, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तो रोंडा रोजी ने अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान इस बात को रिवील किया कि वो रोमन रेंज से जेलस करते हैं। आपने सही सुना, वो रोमन रेंज से जलते हैं, ऐसा रोंडा रोजी ने बोला। उसके पीछे उन्होंने बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग बात बताई जो कि आपको भी सुनना चाहिए। तो रोंडा रोजी ये बताती है कि रोमन रेंज के साथ पॉल हेमन हमेशा रहते हैं, तो इसीलिए मैं रोमन रेंज से बहुत ज्यादा जलती हूँ क्योंकि मुझे पॉल हेमन अपने साथ चाहिए WWE के अंदर। जी हाँ रोंडा रोजी को भी WWE के अंदर पॉल हेमन का जरूरत है। अब भाई देखो पॉल हेमन तो रोमन रेंज को छोड़कर कहीं जाने नहीं वाले। वैसे रोंडा रोजी का जोड़ी पॉल हेमन के साथ बहुत कमाल का जचेगा, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते। और हाँ मैं हर वीडियो के लास्ट में एक सवाल आप सबसे पूछने वाला हूँ, तो आप लोग
सब कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिए। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है बैड बनी के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता, पिछले साल का रॉयल रंबल बैड बनी के होम टाउन में ही हुआ और कमाल की बात है इस बार का भी रॉयल रंबल बैड बनी के ही होम टाउन में होने वाला। तो ट्रिपल एच ने एक बार फिर से टीज कर दिया बैड बनी का WWE के अंदर रिटर्न। तो शायद हमें अगले साल रॉयल रंबल के अंदर हमें बैड बनी देखने को मिलेगा WWE के अंदर फिर से। वैसे मेरे ख्याल से बैड बनी WWE के अंदर ऑलरेडी दो बार आ चुके। तो चलिए अब हम फाइनली बात कर लेते हैं एज के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। एज कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है WWE के अंदर जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, एज WWE हिस्ट्री के एक लौते ऐसे रेसलर बन चुके हैं जो कि हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने के बाद सबसे ज्यादा मैच रेसल। जनरली कोई भी रेसलर हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने के बाद एक से दो मैच WWE के अंदर रेसल करता है। लेकिन एज ऐसे रेसलर है जो कि हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने के बावजूद भी 14 प्रीमियम लाइव इवेंट में मैच रेसल। देखो, मैं कोई नॉर्मल मैचेस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं प्रीमियम लाइव इवेंट के मैचेस के बारे में बात कर रहा हूं। एज पूरे 14 प्रीमियम लाइव इवेंट मैच में रेसल किए हैं जब से हॉल ऑफ फेम में वो इंडक्ट हुए हैं उसके बाद। अच्छा, आप में से किसी को पता एज WWE के अंदर अपना डेब्यू कौन से ईयर में किए थे? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने ट्राइबल चीफ के बारे में भी, जो कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है WWE के अंदर। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका खुद का बनाया हुआ है जो कि खुद ही तोड़े हैं WWE के। तो आप ये चार्ट देख सकते हो, इसमें रोमन रेंस पिछले साल 61 मैच में रेसल किए थे जिसमें 33 मैच वो विन किए। पर आप 2022 का आप चार्ट देख सकते हो, इसमें 48 मैच वो रेसल किए और 48 मैच में 33 मैच वो जीत चुके हैं WWE के। और हमें अच्छी तरह से पता है कि रोमन रेंस इस साल भी एक दो फाइट करने वाले हैं। तो देख लो, रोमन रेंस अपने खुद के रिकॉर्ड को ही तोड़ दिए। वैसे चलते हैं आज के सवाल के ऊपर जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला और सबको जवाब देना इस सवाल। ब्रॉक लेसनर जब WWE के अंदर अपना डेब्यू किए थे 2012 के समय, तो उनका सबसे फर्स्ट अपोनेंट WWE के अंदर कौन था? मैं सवाल को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, UFC से निकलने के बाद ब्रॉक लेसनर जब WWE के अंदर फर्स्ट टाइम आए तो उनका फर्स्ट टाइम अपोनेंट कौन था WWE के अंदर? आप सबको कमेंट सेक्शन में ये बताना। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबके सब वीडियो को सब्सक्राइब करो जितने भी लोग देख रहे हो यार, बस 300 सब्सक्राइबर कम रहा है मुझे 90 के करने के लिए। और हाँ, वीडियो को भी सब लोग लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आया। और हाँ, कुछ और भी वीडियो हमारे चैनल का आप जाकर देख सकते हो इसके बाद।